सुप्रभात बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब कोई अच्छे हैं। तो बच्चों, अभी स्कूल खुल रही है ना, तो हम लोग स्कूल धीरे धीरे बच्चे जाना भी शुरू कर दिए हैं। तो आज चलिए एक कविता के साथ हम लोग अपना पढ़ाई का अपना शुरुआत करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आपको बोलना है, छुट्टी हो गई मच गया शोर। फिर से बोलिए, छुट्टी हो गई मच गया शोर, बच्चे भागे घर की ओर, धक्का देते करते टाटा, मैडम जी ने सबको डांटा। फिर से बोलिए, छुट्टी हो गई मच गया शोर, बच्चे भागे घर की ओर, धक्का देते करते टाटा, मैडम जी ने सबको डांटा। अब आप लोग स्कूल जाएंगे, शोर मचाएंगे, तो आप लोग को अच्छा भी तो लगेगा ना। स्कूल बहुत दिन तक आप लोग नहीं गए, जब आप लोग स्कूल जाइएगा तो फिर घंटी भी हो गई, छुट्टी हो गई मच गया शोर, छुट्टी के समय आप लोग को घर जाना होगा और आप लोग हल्ला करेंगे, तब आपकी मैडम आपको डांटेंगी, है ना। तो बच्चों, चलिए आज हम लोग ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में बड़ी ई की मात्रा सीखे थे और आज हम लोग ऊ की मात्रा सीखेंगे। तो बताइए बच्चों, ये क्या है? छोटी ऊ, इसे हम लोग क्या कहते हैं? छोटी ऊ। और इसकी मात्रा ऐसे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हवा में लिखना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग अपने बोर्ड पे भी लिखना सीखेंगे। तो आपको भी मेरे साथ हवा में लिखना है। ऐसे बुंदी दीजिए, बिंदु देके नीचे से आधी गोल। तो ये क्या हो गया? ऊ की मात्रा। तो चलिए अभी हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे आपकी ऊ की मात्रा कैसे देना है। सबसे पहले आप अपने कॉपी में, ये मात्रा ऊपर की तरफ नहीं होता है, जहाँ यहाँ मात्रा होता है जो हम लोग देते हैं, छत देते हैं, यहाँ मात्रा नहीं लगाया जाता है, ये मात्रा नीचे की ओर लग जाता है। हम लोग ई की मात्रा भी मात्रा के साथ दिए, आ की मात्रा भी देखिए यहाँ होता है, फिर हम लोग ई की मात्रा दिए, छोटी की मात्रा, तो ये भी हम लोग छत के साथ दिए। अब हम लोग बड़ी की मात्रा दिए, तो इसमें भी हम लोग दाहिने तरफ राइट साइड में दिए, ये हमारे लेफ्ट साइड में होता है छोटी की मात्रा, और बड़ी की मात्रा हमारे राइट साइड में होता है। लेकिन जब हम लोग ऊ की मात्रा देंगे तो ये हमारे यहाँ नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो बच्चों, हम लोग ऊ की मात्रा हमेशा नीचे की ओर देंगे, ऐसे नीचे की ओर देंगे। तो बच्चों देखिए कैसे ऊ की मात्रा दिया जाता है, अब अच्छी तरह से इसको आप समझिए। सबसे पहले हम लोग ऐसे गोल देंगे, एक बिंदु देंगे और नीचे से आधा गोल, ठीक है। फिर से देखिए, बिंदु देंगे पहले और नीचे से आधा गोल, तो ये हो गया हमारी ऊ की मात्रा। तो बच्चों, अभी हम लोग व्यंजन वर्ण के साथ हम लोग स्वर ऊ को जोड़ेंगे, तो देखेंगे कैसा उच्चारण, हमारा ध्वनि कैसे निकलता है। तो बच्चों बताइए, तो ये किस चीज की मात्रा है? अभी मैं सिखाई हूँ ऊ की मात्रा कैसे देना है। बुंदी के देने के बाद आधा गोल दीजिएगा तो ये ऊ की मात्रा, और ऊ की मात्रा छत मात्रा के ऊपर से नहीं लगता, ये हमेशा अक्षर के नीचे लगता है, ठीक है। तो चलिए आपको मेरे साथ बोलना है, क में ऊ की मात्रा कु, ख में ऊ की मात्रा खु, ग में ऊ की मात्रा गु, घ में ऊ की मात्रा घु, अंग में नहीं लगता है, फिर च में ऊ की मात्रा चु, फिर छ में ऊ की मात्रा छु, जु झु, और य में नहीं लगता है बच्चों। फिर ट में हम लोग लगाएंगे, ट में ऊ की मात्रा टू, ठ में ऊ की मात्रा ठू, और ऊ में जोड़ नहीं देना है, छोटी ऊ में आपको जोड़ देके नहीं बोलना है। ड में ऊ की मात्रा डू, ढू, नू, फिर त में ऊ की मात्रा तू, फिर थ में ऊ की मात्रा थू, द में ऊ की मात्रा दू, ध में ऊ की मात्रा धू, न में ऊ की मात्रा नू। जब आप ये बोलना सीख जाएंगे तो आपको शब्द बनाना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प में ऊ की मात्रा पू, फ में ऊ की मात्रा फू, ब में ऊ की मात्रा बू, भ में ऊ की मात्रा भू, म में ऊ की मात्रा मू, य में ऊ की मात्रा यू, र में ऊ की मात्रा, आपको यहाँ बहुत ध्यान देना है, आपको इस चीज को सीखना है कि र में हम लोग नीचे ऐसे मात्रा नहीं देते हैं। र में जब हम लोग मात्रा देना होता है तो आपको ऐसे देना होगा, ये मात्रा आधा गोल ऐसे खींचना होगा, साइड से खींचना होगा, देखिए ऐसे लगेगा। र में आपको ऐसे घुमाइएगा तो ये रू हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि र में ऊ की मात्रा हम लोग को र के बगल में देना है, र के नीचे नहीं देना है, यहाँ दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको यहाँ देना है रू, उसकी मात्रा कैसे होगा, ऐसे होगा। तो चलिए, अब रॉ के बाद फिर हम लोग लॉ में लगाएंगे, लू वु शु, फिर हम लोग श में शु, सु हु छु,
थ्रू। तो आप में सबको इसको मात्रा में बोलना सीखना है और अपने कॉपी में भी लिखना के प्रयास करना है। सुंदर से आपको लिखना है बच्चों, ये पूरा मात्रा लगा के आप इस कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा। और याद रखिएगा, अंगा में और यौ में आपको ऊ की मात्रा नहीं देना है। तो बच्चों आप लोग अच्छे से इसको अभ्यास कीजिए और अपने कॉपी पे लिखिए और कविता को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय।